हेलो हेलो लाओ गाना सुनना चाहते हो कि ड्रामा कर रहे हो? हम बहुत दिन गा चुके हैं, दुनिया मुझको जान चुकी है। अगर ड्रामा करोगे गाना बंद कर दूंगा, गाड़ी खड़ी सामान ला दूंगा, कानपुर चला जाऊंगा। हमको किसी ने खरीदा नहीं है ना। हम जितना काम करते भी कोई पैदा नहीं हुआ, कीर्तनकार जितना काम हमसे ज्यादा करते। और उसमें लोफड़ी करोगे, हम लोफड़ी जी भर के करेंगे। तुमको अपनी इज्जत की शर्म नहीं है? तुम कैसे कलाकार हो? शुरू से लेके अब तक तुम्हारे ऊपर उंगली उठ रही है और दुनिया थूक रही है, लेकिन अब भी तुम नहीं समझ रहे हो। कलाकार कहते हो कि हम कलाकार हैं, साउंड लेके चले, हारमोनियम का माइक बोल रहा है, बजाने चल दिए वहां। ये बोल ला ले बता रहे हो। दोबारा आएंगे तो उस कमेटी से कह के आएंगे कि साउंड बढ़िया देने की दम हो तो हमको बुलाना, नहीं ना बुलाना। हम काम करते कलेजा निकल आता है गाना गाने, खेल तमाशा थोड़ी ना है। जितना बना के लाते उतना हक देते। आवाज बढ़ा रही है। हेलो हेलो हेलो, स्टार्टिंग का माइक बंद है। और बढ़ाओ और बढ़ाओ, ठीक है बस बेस थोड़ा बढ़ा दो, बेस थोड़ा बढ़ा दो। पाप करे बिन गति नहीं, और पाप करे नहीं चैन। पाप करे कर हरि मिले तो पाप करो दिन रहे। रिंकी जी क्या बात है, आपने एक गीत दिया है, अब एक गीत मैं भी देना चाहता हूं आपको। और फिल्मी दुनिया ने एक बहुत अच्छा आधार दिया है कि कीर्तनकार पहले तर्ज बताता है, इसके बाद मर्ज बताता है। देखिए साहब, तो गाना पुराना है लेकिन अच्छा लगेगा, क्यों? अरे मुझसे कहने लगे हैं सब लोग, कहने लगे हैं सब लोग।
गाना हो गया, हो गया, गुरु, हो गया। आज राइटर आगे बैठा ला गया है, लिखो पढ़ाई लिखाई का मामला है। ये कौन आ गया? कह रहा हूँ बढ़िया है, देखते जाना धीरे धीरे मशीनरी है, अच्छा बोल रहा है। तो कह रहा हूँ अरे फैल ग्रंथों में जिनका प्रकाश, अगर ईमानदारी से तुमको सबको लाइन हमारी अच्छी लगे तो रुपया न देना लेकिन तालियां जरूर देना। भैया नेताजी किसान यूनियन जिंदाबाद। ये ले कह रहा हूं क्या, अरे फैला ग्रंथों में, अरे फैला ग्रंथों में जिनका प्रकार, और संत ऐसे हुए ये रवि। जितने लाल बैठे हैं सबको भी मालूम है, महाराज जी आपको भी मालूम है, जो भी अगर इनके विषय में आपको न मालूम होता तो आप भी पैंट और शर्ट में होते, आप साधु का वेद ना लेते। और साधुता हर एक की दम नहीं होती है, पैंट पहनना सरल है लेकिन अचला लगाना कठिन है। इसलिए कह रहा हूं हे जिनकी गरिमा का साक्षी इतिहास, तो संत ऐसे हुए हैं रविदास। अब क्यों कितना पावन मन सबसे अपना पन रखते थे सरल सौम्य जीवन। एक एक लाइन आपको आनंद देगी, इस बात की लालमन चंचल की गारंटी है कि लालमन चंचल जो बात लाएगा वो मजबूत लाएगा। कह रहा हूं जान रहे जन जन और कितना पावन मन सबसे अपना पन रखते थे सरल सौम्य जीवन। ऐसे नहीं ए पाके जीवन था, ऐसे थोड़ी ना हो पाए। तो इनके लिए मैं कह रहा हूं आदरणीय रिंकी जी, अरे सदाचारी थे और परोपकारी थे, ये अरे सदाचारी थे और परोपकारी थे, और संत जन जन के हितकारी थे। अरे प्रभु की सेवा, अरे प्रभु की सेवा है रे। धन्यवाद है आपको। अरे प्रभु की सेवा जिन्हें आई रात,
और प्रभु की सेवा जिन्हें आई रात और संत ऐसे हुए और आराम से सुनिएगा गाने को। कह रहा हूं हमारे लाल सिंह भैया की तरफ से लालमन चंचल के लिए ये कई रास के हम दोनों आदमी एक ही लाल इनका नाम है लाल सिंह मेरा नाम है लालमन और इनके तरफ से 51 रुपए हमारे लिए तो बाबा इनका कल्याण करें अच्छा रखें। साथ ही साथ ये 51 पत्र मुद्राएं श्री रजवाड़ी पॉपकॉर्न राजेश कश्यप जी मीरतपुर कन्या पाठशाला के पास बिंदकी फतेहपुर आपकी तरफ से 21 पत्र मुद्राएं आई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय राजेश भैया। ये हमारे रवि किराना वालों की तरफ से 11 मुद्राएं प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद है। अब आगे की लाइन देखिए आप। अरे भाव में भक्ति अगर भाव बढ़िया है तो मामला आपका सेट है। अगर भाव में गड़बड़ तो बेभाव बिकोगे ये समझ लेना। नौजवान भाई सुनिए, कभी हम भी नौजवान थे अब बुढ़ापा आ गया तो कह रहा हूं सब खुश रहेंगे इसकी चिंता मत कीजिए। मैं आया हूं तो मेरे साथ नौजवान भी खुश है, मेरे साथ बच्चे भी खुश है, हमारी बेटियां भी खुश है, हमारे बुजुर्ग भी खुश है। मैं इस टाइप का कलाकार हूँ। मैं कलाकार नहीं हूँ बल्कि आपके चरणों का सेवक हूँ। मैं कोई कलाकार नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ, एक पैसा नहीं हूँ। मुझको मालिक ने जरा सा दिया तो आप लोग बुला लेते हैं, मैं आ गया, बस ये है। लेकिन सुने आप, यही सब है गुरु आपके। अरे भाव में भक्ति और सत्य की थी शक्ति, सत्य कभी पराजित नहीं होता है, सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता है। जीतता जब है सत्य ही जीतता है। कह रहा हूं भैया जी, लाओ 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 रुपया दिन अंत के आओ, जल्दी आओ, ये सब बाबा के भक्त हैं। लाओ चाचा लाओ 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 500 के ना यार, जल्दी हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, जल्दी आओ ये ले। 100 रुपया पूरे। अच्छा 51 वापस। नाम 50। हाँ 51 नाम। ये हमारे पंटू भैया तिंदुली वालों की तरफ से 101 रुपया जिसमें 50 वापस। अरे भैया 50 वापस तो कह रहे हैं, बेईमानी न कर बे। 51 रुपया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन अभय न देवे जब गा लेवे तब देवे शायद तुम्हारे फिर मन मान। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। पैसा जमा है, हम जेबे ना जेबे तुम्हारे पैसा दे की जेबे चाह भले सवेर तक दे ले 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 ले। ये ले लो दाहिने हाथ से, ये ले लो। जय हो जय हो। ये ऐसे क्या बात है, सदा प्रसन्न हो। भक्ति और सत्य की थी शक्ति
शक्ति आखिर क्या कुछ नहीं कर सकती। अरे शक्ति की शक्ति क्या कुछ नहीं कर सकती, तो मैं कह रहा हूं अरे ये कहावत है अगर मन चंगा है, अरे ये कहावत है अगर मन चंगा है तो कठौती में माता गंगा, जमा जन जन का इसमें इतिहास, अरे जमा जन जन का इसमें, अरे जमा जन जन का इनमें विश्वास, और संत ऐसे हुए हैं रविदास। अंतिम बात पेश कर रहा हूं और कह रहा हूं इस गाने को पहले सुन लेना, जो सुनना चूंकि आगे जो राइटर महोदय आपके लिख रहे हैं जवाब, हम देख रहे हैं पूरा जवाब लिखा जा रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन अंतिम बात क्या क्या अरे धन पिता माता जो ऐसा सुत जाए, अब जीवन दिया है, सुने आप, अरे धन पिता माता जो ऐसा सुत जाए, और शिष्या मीरा बाई आपकी, और शिष्या मीरा बाई गुरुवर रामानंद भाई, ये अरे प्रतिभा चमका तो भैया, अरे ये जयंती का और समय सुहाना है, मीठी मीठी सर्दी है मीठा मीठा गर्म दोनों मामले हैं, अरे इस जयंती का और समय सुहाना है, और संत बारी को हमें अपनाना है, ये हमारे रोहित भैया जो तिंदुली से पधारे हैं आपकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बार हमारे कुत्ता ने काट लिया, हमारी नई नई साथी भाई हती तो एक कुत्ता ने काट लिया, तो हमने कहा कुत्ता ने काट लिया अब तो हमारे 14 इंजेक्शन लगेंगे, तो हमारे ससुर ने कहा कि नहीं 14 इंजेक्शन नहीं लगेंगे, तो हमारे साथ चलो तिंदुली। तो एक बार हम तिंदुली आए थे, झामदास बाबा का आश्रम है उसी तिंदुली के है ना, वही चाचा कहाँ गए 50 रुपया वाले, वही नाचत रहे वही बैठे, अब देखिएगा। धन्यवाद है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद है, और जितने लोग तिंदुली से आए मैं सभी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, कह रहा हूँ भैया ये लाइन देखिए क्या, अरे ये जयंती का ए समय सुहाना है, ओ संत बारी को हमें अपनाना है,
लाओ इधर। हम जानत राम, हम जानते हैं भाई कदरदान है, ये ले 50 रुपया आ गया। फिर देखो ये आया, हम कही रहे राम बेकार ले जा रहे हो, फिर दिया हुआ जमा कर दे तो फायदे में रहा। ये भी तिजली के हमका इल्ला दे पूरे गांव में, जाम बाबा का जाम है पूरा जी। अरे चिंता न करो, हिम्मत से काम लो, दाता का नाम लो, प्रोग्राम लो, मऊ जब हुआ तुम्हु जब हुआ। अगर गाने में मजा ना आ रहा हो तो कसम है हमारी, आप लोग ताली ना बजाना, और गाने में मजा आ रहा है तो ताली बजाओ। गाने में मजा आ रहा है तो मैं कह नहीं आ रहा है, चाचा को नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि चाचा की जेब में खांचा खत्म है, तो कह रहा हूं अरे ये जयंती का ये समय सुहाना है, और संत बारी को हमें अपनाना है। अगर आज बाबा होते, अगर बाबा होते तो बाबा के चरणों में हर व्यक्ति लिपट जाता। आज जब प्रतिमा में लिपट रहा है, अगर होते तो ये मेरी अंतिम लाइन कह रही है क्या कि आज ऐसे, अरे आज ऐसे समय में होते का तो संत ऐसे हुए ये रविदास। हेलो बोले, हेलो नीचे देखो, खुला है, चलो ठीक, चलो बना। हेलो 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 भैया आप कुछ मत करिएगा, चलो भैया आप क्यों नहीं बैठ रहे हैं वहां पर, इतने दिन आपने क्या किया, सही नहीं कर सकते। हेलो बेटा पानी पीने गए थे। हाँ दत्ता बिल्कुल, बहुत ही सुंदर सी तर्ज आई है, आई मैं भी प्रयास करती हूँ, द्वितीय चक्र में अवसर मिल गया, समय को देखते हुए आइए, बिल्कुल चलते हैं। भैया ये सीटी बंद कर दीजिए। सही है। हेलो हेलो, भले आप कम दीजिए आवाज लेकिन सीटी ना हो, बाद में जब आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे अपने आप आपको समझ में आएगा क्या कमियां हुई है। हेलो 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 हेलो, इसको कम कर दीजिए आप। हाँ हाँ हल्का नहीं, केवल बंद मत करिएगा फिलहाल, चलने दीजिए।
बस बस भाई, चलो बेटा चलो। कभी सात फेरों के बाद भी प्यार नहीं होता। भैया को कोटि कोटि धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है। और ये चच्चा जी की ओर से हमारे एक बार फिर से भैया मोहन सिंह चंदेल तिंडली वाले आपकी ओर से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या बात है पिताजी। और ये अनमोल प्रताप गौतम भैया और का बिंदकी वाले, ये तिंदली वाले हैं तो वो बिंदकी वाले। हाँ ये बात सही है। आपकी ओर से 21 रुपए आए हैं भैया को, बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना। हम लोग तिंदली गए जरूर, लेकिन हम लोग को कुत्ता नहीं काटे। कुर्सी में बैठो, पीठी मुड़के जा रहे हो तुम तो ढोलक मास्टर। ऐसे ही बाजा होना चाहिए। जाओ भैया एक नींद मारियो तब आओ। अब आइए, अगर कुछ व्याख्यान आदरणीय शमानी मरे बड़े भैया लालमन भैया जी की ओर से हुए हैं, आइए बस इन्हीं के ही चरणों में मैं भी प्रयास करती हूँ कि शायद जवाब आ जाए कहीं से। क्या बात। अरे कुलभूषण कवि जो है खास, ये बात
ये बात। और आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो जवाब समझ में नहीं आएगा। धन्यवाद, इनाम बाद में बोलते जाएंगे, अगर पर्ची साथ में आती आएगी तो बहुत अच्छा है। कुलभूषण कवि है जो खास, संत ऐसे कहाए रैदास। अगर रविदास कहते तो इनको प्रेम से रैदास भी कहा जाता है। और खास बात कि शिव की नगरी में करते जो वास, यानी शिव की नगरी यानी काशी में वास करते हैं। तो कठौती में गंगा है, ये सब मैंने बता दिया, लेकिन मैं आपके गीत को देखते हुए बिल्कुल अलग प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि आप बड़े हैं हम छोटे हैं। सही है, प्रयास देखिएगा मेरी ओर से। हम तो बिल्कुल है छोटे। ये बात, लेकिन ऐसा होता कहाँ? समझते रहिए भैया, जवाब है। अब आइए, कुछ खास लाई हो, कैसे कैसे माता कर्मा के लले, इनकी माता का नाम कर्मा। भैया सुनेगा, आपने बताया नहीं लेकिन मैं प्रयास कर रही हूँ। माता कर्मा के लने संतोष के बने सुवन, पिता का नाम संतोष दास जी। समझते रहिए भैया, माता का नाम कर्मा, पिता का नाम संतोष दास जी। आपने बताया नहीं है, मैं बता रही हूँ, सुने। तुरंत कर, अरे माता कर्मा के ललन संतोष के बने सुवन, जन जन के मन में जो छा गए करते सभी नमन। जन जन के जो मन में छा गए इसीलिए तो करते सभी नमन। ऐसे यहाँ पर कार्यक्रम नहीं हो रहा है, बहुत कुछ है, इसलिए यहाँ पर इतने लोग हैं, यहाँ पर कल कोई नजर नहीं आएगा, केवल इनके लिए यहाँ पर आए हैं। तो रामे रट्टी ना जो लगाए हैं गुरु से जो ज्ञान पाए हैं, रविदास जी से भेंट हो जाए, उनके दर्शन कर लिए जाए और
जैसे ही दर्शनों के पहुंचे, रविदास जी ने कहा कि आप गंगा स्नान को जा रहे हैं, मेरा एक काम कर दीजिएगा। बोले बताएं, बताएं। बोले ये एक सिक्का दिया, यानी मुद्रा दी, और ब्राह्मण देवता से कहा स्नान करने के बाद इस मुद्रा को आप गंगा जी में डाल दीजिएगा। अब देखिए जब ऐसा कहा तो देखिए होता क्या है। बस निवेदन है, जवाबी को ध्यान से सुनिए। भैया भैया आप ये कैसा मिलकर घात करते हैं, इधर हम जवाब देते हैं उधर आप बात करते हैं। ये ना करिए सब गलत बात है। आप समझदार हैं, बच्चों हो तो उनको डांट के अलग कर दें, आप बड़े हैं। कल घर में बैठ के बात कर लेना। वो बात करें, इनका ढोलक मास्टर कितना अच्छा बजा रहा है। सुनेगा भैया, एक ब्राह्मण एक दिवस सुनाइएगा। एक ब्राह्मण एक दिवस करने स्नान चले, और राहों में चलते चलते वो रविदास से मिले। आपके दर्शन हो गए प्रातःकालीन बेला में, धन्य भाग हमारे। अब देखिए एक ब्राह्मण प्रणाम कर रहे हैं और अपने भाग को धन्य धन्य कह रहे हैं कि मुझे ऐसे संत के दर्शन हो गए। जय हो जय हो। देखिए होता क्या है, क्या एक मुद्रा जब वो गहाए उन ब्राह्मण को एक मुद्रा दी और कहा क्या? गंगा मैया ने हाथ बढ़ाए, क्योंकि वो ऐसी वैसी मुद्रा नहीं, स्वयं रविदास जी के हाथों से मिली हुई मुद्रा थी, इसलिए स्वयं गंगा मैया ने अपने हाथों में ले ली, तो मुझको कहना पड़ा। अरे पार हो गई है जब उनकी आ